आलिया कहाँ हो तुम और क्या कर रही हो? जानती हो कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें और कितने फोन कॉल किए? ना तो तुमने मैसेजेस का रिप्लाई किया और ना ही फोन कॉल। क्यों? वो आलिया एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ तनु, तुम जानती हो प्रज्ञा ने क्या किया है? अब क्या किया? उसने आकाश और रचना की शादी करवा दी, वो भी दादी के अगेंस्ट जाकर। सिर्फ इतना ही नहीं, जानती हो उसने क्या कुछ नहीं कहा सबके सामने दादी को। आई मीन प्रज्ञा ने दादी की इंसल्ट की, वो भी अभी के सामने। यस तनु, उसने सब कुछ किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है तनु। I mean, there has to be some reason, no? कुछ तो हो रहा है जो मुझे नहीं पता है। मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों कहा? हाँ लिया, I mean, तुम वो प्रज्ञा ऐसी ही है तो ऐसा ही करेगी ना, वो अपना असली रंग दिखा रही है। जस्ट होप कि दादी को उसका असली रंग पता चल जाए और दादी उसे अपने दिल से ही नहीं अपने घर से भी निकाल दे। तनु, नो, प्रज्ञा ऐसे नहीं। आई मीन, ये सब कुछ उसने करा और जो सब कुछ उसने कहा, इट्स नॉट इन हर नेचर। आई मीन, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज। देयर इज समथिंग मोर टू इट, कुछ तो है। और जो कुछ भी है ना, मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। तुम क्यों पता लगाओगे? मैं भी ना, आई मीन यू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे पता लगाओगी। ओहो तनु, तुम तो मुझे जानती हो, मैं कुछ भी पता लगा सकती हूँ, लेकिन वो सब कुछ मैं बाद में करूंगी। पहले आई नीड टू मेक अ फोन कॉल टू पूरब। आई होप यू डोंट माइंड। ओके, आई विल जस्ट उसे अभी यही देखा था, फिर इतने में कहां चली गई? सब उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। कार पार्क करने देता तो प्रज्ञा मेरी आंखों से दूर नहीं जाती। ये यहां किससे बात कर रही है? रीजन चाहे जो भी हो प्रज्ञा, पर तुम मुझे मेरी लाइफ की खुशियां वापस दे रही हो। यू नो, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तुमने मुझे वापस वो उम्मीद दिलाई कि मुझे मेरा प्यार वापस मिलेगा, मेरे बच्चे को अभी का नाम मिलेगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है अबॉर्शन के लिए। अगर मुझे अबॉर्शन करवाना है तो बहुत जल्दी करवाना होगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगी। मैं थोड़े टाइम के बाद कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, कहीं जा नहीं पाऊंगी, कोई मॉडलिंग असाइनमेंट साइन नहीं कर पाऊंगी, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कुछ अटेंड नहीं कर पाऊंगी। प्रज्ञा, आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कौन है ये लड़की जो अपने अबॉर्शन के बारे में ऐसे बात कर रही है? आवाज तो सुनी हुई सी लग रही है। मैंने ये बात अभी तक अभी को भी नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि सबसे पहले मुझे ये बात अभी को बतानी चाहिए। लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद मैं अभी को बता दूंगी। तन्नू, आई होप कि अभी को मुझे अपनी वाइफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं है? नहीं, एंड आई थिंक तुमने भी अभी को नहीं बताया। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। आज मैं
स्पेशल फील कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग डिफरेंट. आई एम फीलिंग नाइस. अगर तनु ने इन्हें अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई तो वो इस दिन इतना खुश थे? मुझे क्या बताना चाहते थे वो? कि प्रज्ञा ने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया. अभी के सामने अभी की दादी की इंसल्ट की. आई विश मैं भी वहां होती. पर अभी को प्रेगनेंसी की न्यूज दू या नहीं? नहीं, थोड़ा और वेट करना चाहिए. अभी जब पूरी तरीके से उस प्रज्ञा से नफरत करने लगेगा तभी उसे ये गुड न्यूज दूंगी. सरप्राइज पसंद नहीं है? सरप्राइज? I'm shocked. अभी अभी मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गए. मैंने कितने फोन किए तुम्हें, कितने मैसेजेस किए, लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं. और ऐसे में अचानक आओगे तो शॉक तो हो जाऊंगी ना मैं. तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी. आज भगवान से और कुछ मांगती तो वो भी मिल जाता. मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ और तुम हो कि जब देखो मुझ पे गुस्सा करते रहते. But I know, तुम जानबूझ के नहीं करते. So मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगी. मुझे कुछ छुपा रही हूँ मैं? नहीं तो I know you're hiding something.